नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज की कहानी है बौड़म, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुझे देवीपुर गए 5 दिन हो चुके थे, पर ऐसा एक भी दिन ना होगा कि बौड़म की चर्चा ना हुई हो। मेरे पास सुबह से शाम तक गांव के लोग बैठे रहते हैं। मुझे अपनी बहुज्ञता के प्रदर्शित करने का ना कभी ऐसा अवसर ही मिला था और ना प्रलोभन। मैं बैठा बैठा इधर उधर की गप्पे उड़ाया करता। बड़े लाट ने गांधी बाबा से यह कहा और गांधी बाबा से यह जवाब दिया, अभी आप लोग क्या देखते हैं, आगे देखिएगा क्या क्या गुल खिलते हैं। पूरे 50,000 जवान जेल जाने को तैयार बैठे हुए हैं। गांधी जी ने आज्ञा दी है कि हिंदुओं में छूत छात का भेद ना रहे, नहीं तो देश को और भी अधीन देखने पड़ेंगे। अस्तु, लोग मेरी बातों को तन्मय होकर सुनते, उनके मुख फूल की तरह खिल जाते, आत्म अभिमान की आभा मुख पर दिखाई देती, गदगद कंठ से कहते, अब तो महात्मा जी आप ही का भरोसा है ना बाबा, बौड़म नहीं है नहीं तो वह आपका गला नहीं छोड़ता, आपको खाना पीना कठिन हो जाता, कोई उससे ऐसी बातें किया करे तो वह रात की रात बैठा रहे। मैंने एक दिन पूछा, आखिर यह बौड़म है कौन, कोई पागल है क्या? एक सज्जन ने कहा, माशा पागल क्या है, बस बौड़म है। घर में लाखों की संपत्ति है, शक्कर की एक मिल सिवान में है, 2 कारखाने छपरे में है, 300-400 के तलब वाले आदमी नौकर है, पर इसे देखिए फटेहाल घुमा करता है। घर वालों ने सिवान भेज दिया था जाकर वहाँ निगरानी करे, 2 ही महीने में मैनेजर से लड़ बैठा। उसने यहाँ लिखा, मेरा इस्तीफा लीजिए, आपका लड़का मजदूरों को सिर चढ़ाए रहता है, वे मन से काम नहीं करते। आखिर घर वालों ने बुला लिया, नौकर चाकर लूटते खाते हैं, उसकी तो जरा भी चिंता नहीं, जो सामने आम का बाग है उसी की रात दिन रखवाली किया करता है, क्या मजाल की कोई एक पत्थर भी फेंक सके। एक मियाँ जी बोले, बाबूजी घर में तरह तरह के खाने पकते हैं, मगर इसी तकदीर में वही रोटी और दाल लिखी हुई है, और कुछ खाता ही नहीं। बाप अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं लेकिन वह उनकी तरफ निगाह भी नहीं उठाता, बस यही मोटा कुर्ता गाड़े की तहमत बांधे मारा मारा फिरता है। आपसे उसकी सिफत कहाँ तक करें, बस पूरा बौड़म है। बातें सुनकर मुझे भी इस विचित्र व्यक्ति से मिलने की उत्कंठा हुई। सहसा एक आदमी ने कहा, वह देखिए बौड़म आ रहा है। मैंने कौतूहल से उसकी ओर देखा, 20-21 वर्ष का हष्ट पुष्ट युवक नंगे सिर एक गाड़े का कुर्ता पहने, गाड़े का ढीला पजामा पहने चला आता था, पैरों में जूते थे। पहले मेरी ही ओर आया, मैंने कहा आइए बैठिए। उसने मंडली की ओर अवहेलना की दृष्टि से देखा और बोला, अभी नहीं फिर आऊँगा, कहकर चला गया। जब संध्या हो गई और सभा विसर्जित हुई तो वह आम के बाग की ओर से धीरे धीरे आकर मेरे पास बैठ गया और बोला, इन लोगों ने तो मेरी खूब बुराइयां की होंगी, मुझे यह बौड़म का तबका मिला हुआ है। मैंने सकुचाते हुए कहा, हाँ आपकी चर्चा लोग रोज करते हैं, मेरी आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी, आपका नाम क्या है? बौड़म ने कहा, मेरा नाम तो है मोहम्मद खलील, पर आसपास के 10-5 गांव में मुझे लोग उर्फ के नाम से ज्यादा जानते हैं, उर्फ यानी बौड़म। आखिर लोग आपको बौड़म क्यों कहते हैं? उनकी खुशी और क्या कहूँ, मैं जिंदगी में कुछ और को और समझता हूँ, पर वह मुझे इसकी इजाज़त नहीं है 5 वक्त नमाज पढ़ सकूँ। मेरे वालिद हैं, चचा हैं, दोनों साहब पहर रात से पहर रात तक काम में मसरूफ रहते हैं, रात दिन हिसाब किताब नफा नुकसान मंदी तेजी के सिवाय कोई जिक्र ही नहीं, गोया खुदा के बंदे ना हुए इस दौलत के बंदे हुए। चचा साहब हैं, वह पहर रात तक शीरे के पीपों के पास खड़े होकर उन्हें गाड़ी पर लदवाते हैं। वालिद साहब अक्सर अपने हाथों से शक्कर का वजन करते हैं, दोपहर का खाना शाम को और शाम का खाना आधी रात को खाते हैं, किसी को नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं। मैं कहता हूँ आप लोग इतना सिर मगजन क्यों करते हैं, बड़े कारोबार में सारा काम एतबार पर होता है, मालिक को कुछ ना कुछ बल खाना ही पड़ता है, अपने बलबूते पर छोटे कारोबार ही चल सकते हैं, मेरा उसूल किसी को पसंद नहीं इसलिए मैं बौड़म हूँ। मैं, मेरे ख्याल में तो आपका उसूल ठीक है। खलील, ऐसा भूल कर भी ना कहिएगा वरना एक की जगह 2 बौड़म हो जाएंगे। लोगों को कारोबार के सिवा ना दीन से गरज है, ना दुनिया से, ना मुल्क से, ना कौम से। मैं अखबार मांगता हूँ, स्मरणा फंड में कुछ रुपए भेजना चाहता हूँ, खिलाफत फंड को कुछ मदद करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा सितम है कि खिलाफत का रजाकार भी हूँ। क्यों साहब, जब कौम पर, मुल्क पर और दीन पर चारों तरफ से दुश्मनों का हमला हो रहा है तो क्या मेरा फर्ज नहीं है कि जाति के फायदों को कौम पर कुर्बान कर दूँ? इसलिए घर और बाहर मुझे बौड़म का तबका दिया गया है। मैं, आप तो कह रहे हैं जिसकी इस वक्त कौम को जरूरत है। खलील, मुझे खौफ है कि इस चौपट नगरी में आप बदनाम होकर जाएंगे,
जब मेरे हजारों भाई जेल में पड़े हुए हैं, उन्हें गजी का गाड़ा तक पहनने को मयसर नहीं, तो मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं मीठे लुक में उड़ाऊं और चिकन के कुर्ते पहनूं, जिनकी कलाइयां और मुंडों पर सीजनकारी की गई हो। मैं, आप ये बहुत ही मुनासिब कहते हैं, अफसोस है कि लोग आपका सा त्याग करने के काबिल नहीं। खलील, मैं इसे त्याग नहीं समझता, न दुनिया को दिखाने के लिए भेष बना के घूमता हूँ। मेरा जी ही लज्जत और शौक से फिर गया है। थोड़े दिन होते हैं वालिद ने मुझे सिवान के मिल में निगरानी के लिए भेजा और मैंने वहाँ जाकर देखा तो इंजीनियर साहब के खानसा में बैरे, मेहतर, धोबी, माली, चौकीदार सभी मजदूरों की जेल में लिखे हुए थे। काम साहब का करते थे, मजदूरी कारखाने से पाते थे। साहब बहादुर खुद तो बेअसूल है पर मजदूरों पर इतनी सख्ती थी कि अगर 5 मिनट की देर हो जाए तो उनकी आधे दिन की मजदूरी कट जाती थी। मैंने साहब की मिजाज पुरसी करनी चाहिए, मजदूरों के साथ रियायत करनी शुरू की, फिर क्या था, साहब बिगड़ गए, इस्तीफे की धमकी दी। घर वालों को उनके सब हालात मालूम है, पल्ले दर्जे का हरामखोर आदमी है, लेकिन उसकी धमकी पाते ही सबके होश उड़ गए। मैं तार से वापस बुला लिया गया और घर पर मेरी खूब खैर हुई। पहले बॉडम होने के कुछ और कोर कसर थी, वह भी पूरी हो गई। ना जाने साहब से लोग इतना क्यों डरते हैं। मैं, आपने तो वही किया जो इस हालत में मैं भी करता, बल्कि मैं तो पहले साहब पर गबन का मुकदमा दायर करता, बदमाशों से पिटवाता, तब बात करता। ऐसे हराम खरों का तो यही सजाए हैं। खलील, फिर तो एक और दो हो गए। अफसोस यह है कि आपका भी यहाँ कायम ना रहेगा। मेरा जी चाहता है कि चंद रोज आपके साथ रहूं। मुद्दत के बाद आप ऐसे आदमी मिले हैं जिससे मैं अपने दिल की बातें कह सकता हूँ। इन गवारों से तो मैं बोलता भी नहीं। मेरे चचा साहब को जवानी में एक चमारिन से ताल्लुक हो गया था। उससे 2 बच्चे, 1 लड़का और 1 लड़की पैदा हुए। चमारिन लड़की को गोद में छोड़कर मर गई। तब से इन दोनों बच्चों को कि मेरे यहाँ वही हालत है जो यतीमों की होती है। कोई बात ना पूछता था, उनके खाने पहनने को भी ना मिलता। बेचारे नौकरों के साथ खाते और बाहर झोपड़े में पड़े रहते। जनाब, मुझसे यह ना देखा गया, मैंने उन्हें अपने दस्तरखान पर खिलाया और अब भी खिलाता हूँ। घर में कोहराम मच गया। जिसे देखिए मुझ पर त्योरियाँ बदल रहा है, मगर मैंने परवाह ना की। आखिर है तो वह भी हमारा ही खुन्ना, इसलिए मैं बॉडम कहलाता हूँ। मैं, जो लोग आपको बॉडम कहते हैं वे तो खुद बॉडम है। खलील, जनाब इनके साथ रहना अजीब है। शाह कबूल ने कुर्बानियों की ममानियत कर दी है, हिंदुस्तान के उलमा ने भी यही फतवा दिया, पर यहाँ खास मेरे घर कुर्बानी हुई। मैंने हर चंद बावेला मचाया पर मेरी कौन सुनता है। उसका काफरा मैंने यह अदा किया कि अपनी सवारी का घोड़ा बेचकर 300 फकीरों को खाना खिलाया। तब से कसाईयों की गाय लिए जाते देखता हूँ तो कीमत देकर खरीद लेता हूँ। इस वक्त 10 गायों की जान भी बचा चुका हूँ। वे सब यहाँ हिंदुओं के घरों में है, पर मजा यह है कि जिन्हें मैंने गाय दी वे भी मुझे बॉडम कहते हैं। मैं भी इस नाम का इतना आदी हो गया हूँ कि अब मुझे इस नाम से मोहब्बत हो गई है। मैं, आप जैसे बॉडम काश मुल्क में और ज्यादा होते। खलील, लीजिए, आपने भी बनाना शुरू कर दिया। यह देखिए आम का बाग, मैं उसकी रखवाली करता हूँ। लोग कहते हैं जहाँ हजारों का नुकसान हो रहा है वहां तो देखभाल करता नहीं, जरा सी बगिया की रखवाली में इतना मुस्तैद। जनाब, यहाँ के लड़कों का यह हाल है कि 1 आम तो खाते हैं और 25 आम गिराते हैं। कितने ही पेड़ छोट खा जाते हैं और फिर किसी काम के नहीं रहते। मैं चाहता हूँ कि आम पक जाए, टपकने लगे, तब जितना जी चाहे चुन ले जाए। कच्चे आम खराब करने से क्या फायदा, यह भी मेरे बॉडमपन में दाखिल है। ये बातें हो ही रही थी कि सहसा 3-4 आदमी एक बनिए को पकड़े घसीटते हुए आते दिखाई दिए। पूछा तो इन 4 आदमियों से एक ने, जो सूरत से मौलवी मालूम होते थे, कहा यह बड़ा बेईमान है, इसके बांट कम है, अभी इसके यहाँ से शेर भर घी ले गया था, घर पर तौलता हूँ तो आध पाव गायब। अब जो लौटाने आया हूँ तो कहता है मैंने तो पूरा तौला था। पूछो अगर तूने पूरा तौला था तो क्या मैं रास्ते में खा गया। अब ले चलता हूँ थाने, वहीं पर इसकी मरम्मत होगी। दूसरे महाशय जो वहाँ डाकखाने के मुंशी थे बोले इसकी हमेशा की तो यही आदत है, कभी पूरा नहीं तौलता। आज ही 2 आने की चक्कर मंगवाई, लड़का घर लेकर गया तो मुश्किल से 1 आने की थी, लौटाने आया तो आंखें दिखाने लगा। इसके बांटों की आज जाँच करानी चाहिए। तीसरा आदमी अहीर था, अपने सिर पर खली की गठरी उतारकर बोला साहब यह 11 की खली है, 6 शेर भाव से दी थी, घर पर तौला 2 शेर की हुई, लाया कि लौटा दूं पर यह लेता ही नहीं, अब इसका निपटारा थाने में ही होगा। इस पर कई आदमियों ने कहा यह सचमुच बेईमान है। बनिए ने कहा अगर मेरे बाट में रत्ती भर कम निकले तो 1000 रुपये डांट दूं। मौलवी साहब ने कहा तो टंकी मारता होगा। मुंशी जी बोले टंकी मार देता है, यही बात है। अहीर ने कहा दोहरे बाट रखे हैं, दिखाने के और बेचने के, और इसके घर की पुलिस की तलाशी ले। बनिए ने फिर प्रतिवाद किया, पकड़ने वालों ने फिर आक्रमण किया। इस तरह कोई आधा घंटा तकरार रही। मेरे समझ में ना आता था कि क्या करूं, बनिए को छुड़ाने के लिए जोड़ दूं या जाने के लिए।
बनिए से सभी जले हुए मालूम होते थे। खलील को देखा तो गायब, ना जाने कब उठकर चलता बना। बनिया किसी तरह न दबता था, यहाँ तक कि थाने जाने से भी न डरता था। ये लोग थाने जाना ही चाहते थे कि बौड़म सामने आता दिखाई दिया। उसके एक हाथ में एक कटोरा था, दूसरे हाथ में एक कटोरी और पीछे से 7-8 बरस का लड़का। उसने आते ही मौलवी साहब से कहा, यह कटोरा आप ही का है ना काजी जी? मौलवी चौंक कर बोला, हाँ है। तो फिर तुम मेरे घर इससे इसे क्यों लाए? बौड़म, इसलिए कि कटोरे में वही आध पाव घी है जिसके विषय में आप कहते थे कि बनिए ने कम तोला। घी वही है, वजन वही है। बेईमानी गरीब बनिए की नहीं है बल्कि काजी हौज मौलवी जहूर अहमद की है। मौलवी, तुम अपना बौड़मपना यहाँ ना दिखाना, मैं किसी से डरने वाला नहीं। तुम लखपति होंगे तो अपने घर के, तुम्हें क्या मजाल मेरे घर में जाने का? बौड़म, वही जो आपके बनिए को थाने ले जाने का है, अब यह घी भी थाने जाएगा। मौलवी जी सिटपिटा गए और बोले, सबके घर में थोड़ी बहुत चीज तो रखी ही रहती है। कसम कुरान शरीफ की, मैं अभी तुम्हारे वालिद के पास जाता हूँ। आज तक गांव भर में किसी ने मुझ पर ऐसा इल्जाम नहीं लगाया था। बनिया, मौलवी साहब आप जाते कहाँ हैं? चलिए ना, आपका हमारा फैसला थाने में होगा। मैं एक ना मानूंगा, कहलाने को मौलवी दीनदार ऐसे बनते हैं कि देवता ही हैं, पर घर में चीज रखकर दूसरों को बेईमान बनाते हैं। ये लंबी दाढ़ी धोखा देने के लिए बढ़ाई है। मगर मौलवी साहब ना रुके, बनियों को छोड़कर खलील के बाप के पास चले गए, जो इस वक्त शर्म से बचने का सहज उपाय था। तब खलील ने अहीर से कहा, क्यों बे, तू भी थाने जा रहा था? चल मैं भी चलता हूँ, तेरे घर से यह शेर भर खली लेता आया हूँ। अहीर ने मौलवी साहब की दुर्गति देखी तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। बोला, भैया जवानी की कसम है, मुझे मौलवी साहब ने सिखा दिया था। खलील, दूसरे के सिखाने से तुम किसी के घर में आग लगा दोगे? खुद तो बच्चा दूध में आधा पानी मिला मिला कर बेचते हो, मगर आज तुमको इतनी मुटमदारी सवार हो गई कि एक भले आदमी को तबाह करने पर आमदा हो गए। खली उठा करके घर में रख ली और उस पर बनिए से कहते हो कि कम तौला। बनिया, भैया मेरी 1,00,000 रुपए की इज्जत बिगड़ गई, मैं थाने में रपट किए बिना न रहूंगा। अहीर, साहू जी आपकी माफ कर दो, नहीं तो कहीं का ना रहूंगा। तब खलील ने मुंशी जी से कहा, कहिए जनाब, अब आपकी कलाई खोलूं या चुपके से घर की राह लीजिएगा? मुंशी, तुम बेचारे मेरी कलाई क्या खोलोगे, मुझे भी अहीर समझ लिया है कि तुम्हारी भपकियों में आऊंगा। खलील, क्यों बेटा, तुम शक्कर लेकर सीधे घर पर चले गए थे? लड़का मुंशी जी को सशंक नेत्रों से देखकर बोला, बताऊंगा। लड़कों को तुम ऐसा मत सिखा दो, वैसा ही बोलेंगे जैसा सिखा दोगे, मुंशी जी ने कहा। खलील, बेटा अभी तुमने मुझसे जो कहा था फिर वही कह दो। दादा मारेंगे। मुंशी, क्या तूने रास्ते में शक्कर फांक ली थी? लड़का रोने लगा। खलील, जी हाँ, इसने मुझे खुद कहा, पर आपने उससे पूछा नहीं, बनिए के सिर हो गए, यही शराफत है। मुंशी, मुझे क्या मालूम था कि उसने रास्ते में यह शरारत की। खलील, तो ऐसे कमजोर सबूत पर आप थाने क्यों कर चले थे? आप गवारों को मनी ऑर्डर के रुपए देते हैं तो उस रुपए पर 2 आने अपनी दस्तूरी काट लेते हैं, टके के पोस्ट कार्ड आने में बेचते हैं, जब कहिए तब साबित कर दूँ, उसे क्या आप बेईमानी नहीं समझते हैं? मुंशी जी ने बौड़म के मुंह लगना मुनासिब न समझा, लड़के को मारते हुए घर ले गए। बनिए ने बौड़म को खूब आशीर्वाद दिया, दर्शक लोग भी धीरे धीरे चले गए। तब मैंने खलील से पूछा, आपने इस बनिए की जान बचा ली, नहीं तो बेचारा बेगुनाह पुलिस के पंजे में फंस जाता। खलील, आप जानते हैं कि मुझे क्या सिला मिलेगा? थानेदार मेरे दुश्मन हो जाएंगे, कहेंगे यह मेरे शिकारों को भगा दिया करता है। वालिद साहब पुलिस से थरथर कांपते हैं, मुझे हाथों में लेंगे, तू दूसरों के बीच में क्यों दखल देता है? यहाँ यह ही बौड़मपन में दाखिल है, एक बनिए के पीछे मुझे भले आदमियों की कलाई खोलनी मुनासिब ना थी, ऐसी हरकत तो बौड़म लोग ही किया करते हैं ना। मैंने श्रद्धापूर्वक शब्दों में कहा, अब मैं आपको इस नाम से पुकारूंगा, आज मुझे मालूम हुआ कि बौड़म देवताओं को कहा जाता है। जो स्वार्थ पर आत्मा की भेंट कर देता है वह चतुर है, बुद्धिमान है। जो आत्मा के सामने, सच्चे सिद्धांत के सामने, सत्य के सामने स्वार्थ की निंदा की परवाह नहीं करता वह बौड़म है, निर्बुद्धि है। तो यह कहानी थी प्रेमचंद्र द्वारा रचित बौड़म।